We want justice. हम तो अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। यहाँ पे फेयर कंपटीशन नहीं हो रहा, आप देखिए, आप खुद देखिए। जब जेके एसएसबी जैसे, जब जेके पीएससी या यूपीएससी जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एग्जाम डिले कर सकती है, व्हाई कॉन्ट जेके एसएसबी डिले एग्जाम। हमारे कंसर्न कुछ नहीं है। फाइनली आई अप्रिशिएट चेयरमैन सर, उन्होंने हमारे लिए लिंक रीओपन की मार्च में, बट अगर उनको पता था कि हमें जून में एग्जाम लेना है, आप खुद इंसाफ करिए। एंडिंग मार्च में मैंने अप्लाई करा है। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मुझे सोशियोलॉजी पढ़नी है, मुझे फूड टेक्नोलॉजी पढ़नी है, मुझे पॉलिटी पढ़नी है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, जीएस को मैं छोड़ ही रही हूँ। दिस इज ऑल अबाउट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। हमें इनफ टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन के लिए। आप बच्चे बोल रहे इग्नो का एग्जाम है, इस चीज का एग्जाम है, उस चीज का एग्जाम है, हमें उससे कुछ नहीं है। चलो हम एग्जाम का जो इग्नो है उसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज रिक्रूटमेंट एग्जाम। ये हम गर्ल्स के लिए एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है। हमें अगर सुपरवाइजर की पोस्ट निकले उसमें इन लोगों ने, हम फीमेल्स को ही एक्सेस क्यों दिया? व्हाई कॉन्ट बॉयज अप्लाई फॉर दिस पोस्ट? जो सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें हमें पढ़ना क्या है? इट्स ऑल अबाउट वुमेन लॉज, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना, द पोजिशन ऑफ ए वुमन इन अ सोसाइटी। लेकिन इस ग्राउंड पे हम उनसे बस रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि हमें एक मंथ डेफर कर दीजिए। इफ आई विल टॉक अबाउट माई ओन, मैंने मार्च में तो अप्लाई किया, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सेम इन मई, ठीक है। मेरा सोशलाइजेशन कंप्लीट तो हो गया है, ठीक है, नो डाउट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं अपना बोलूंगी, चलो मेरा रिटेंशन अच्छा है, मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ, आई कैन कंप्लीट द सिलेबस विद इन द सेम टाइम। आपकी डिमांड क्या है? हम डिमांड चाहते हैं, मेरा रिवाइज नहीं हुआ, मैं कल को एग्जाम देने जाऊंगी, मेरे घर वालों को मुझसे एक्सपेक्टेशन है, घर वालों को पता है मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, पढ़ने जाती हूँ, बट मैं घर वालों को ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मुझे इनफ टाइम प्रिपरेशन के लिए नहीं मिला है। हमें बस उनसे एक हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, हम कुछ और नहीं मांग रहे, बस हमें एक मंथ का डेफरमेंट चाहिए और कुछ। और अपार्ट फ्रॉम दैट, आप खुद जस्टिस करिए, जो 2021 की नोटिफिकेशन है जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, उसका जो टाइपिंग टेस्ट है वो हो चुका है, उसका एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? जो पटवारी है वो 21 की नोटिफिकेशन है, उसका एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉरेस्टर की जो नोटिफिकेशन निकली है वो 22 में और 23, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन उसका चलो केस चल रहा है कोर्ट में, लेट दैट बी, उसका भी ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी होना है, उसको जाने देते हैं। मगर एसएसबी को ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि वो सीधा 21 से उन्होंने जंप किया 24 की नोटिफिकेशन पे? हमें बस डेफरमेंट चाहिए, वी सीक फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम, हमें कोई और डिमांड नहीं है, हम नहीं चाहते हमें सालों साल मिले, बस उनसे एक रिक्वेस्ट है, ये एक आखिरी अपॉर्चुनिटी हम फीमेल्स के लिए। हम यहाँ पे जितनी गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम 2 लाख गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे उतनी लड़कियों ने अप्लाई किया है जो मैरिड है। इफ आई विल टॉक अबाउट माय ओन सिस्टर, शी इज मैरिड, वो यहाँ नहीं आ सकती प्रोटेस्ट करने के लिए। देख भी को मेल भी की है हमने, जेके एसएसबी लेटर भी डाली है कि जो हम चाहते हैं कि इसमें डेट एक्सटेंड करवाए, लेकिन उनका कहना है वहाँ से कि जो एग्जाम है वो अपने टाइम होगा। यहाँ पे 30 एस्पिरेंट्स है हमारा, एक खोला था फॉर्म के लिए, एक तो दिसंबर में खोला था, एक तो इन्होंने मार्च में खोला। जो दिसंबर वाले हैं उनको अच्छा टाइम मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन जो मार्च वाले हैं उनको बहुत कम टाइम मिला है। ये हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। हम बहुत बार हमने जेके एसएसबी चेयरमैन के साथ हमने बात की, उनको अप्रोच किया, लेकिन वहां से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। हमने बहुत सारी ग्रीवेंस डाली, ऑलमोस्ट 90% गर्ल्स चाहती है कि पोस्टपोन हो, हम उतना भी नहीं चाहते, लेकिन हम एक मंथ का एक्सटेंशन चाहते हैं। अगर जेके एसएसबी इतने सालों से इतने जो नोटिफिकेशन निकाली हुई है उनका एग्जाम पेंडिंग है, तो हमारा एग्जाम ये क्यों लेने पीछे पड़े? अगर ये चाहते, अगर ये बोलते हैं कि फीमेल एम्पावरमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? लड़कियां डिप्रेस हो रही है, लड़कियां जो है स्ट्रेस में चली जा रही है, इस वजह से कि उनको अच्छा खासा टाइम नहीं मिला है प्रिपेयर करने के लिए।